Your maths book, open page number 104, additional stories. बेटा ये स्टोरी सम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? हैं तो ये एडिशन वाले सम्स, बट इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है ना? हमें ये सम्स इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करने हैं, ठीक है? जैसे देखिए, मनु हैज 45 कॉइन्स. मनु के पास 45 कॉइन्स हैं. तो हमें फर्स्ट नंबर क्या मिल गया? 45. पारस गेव हिम 32 कॉइन्स मोर. पारस ने 32 कॉइन्स और दे दिए उसको. तो हमें सेकंड नंबर क्या मिल गया? 32. हाउ मैनी कॉइन्स डज मनु हैव नाउ. अब मनु के पास कितने कॉइन्स हो गए, ठीक है बेटा? जैसे मान लो आपकी मम्मी ने आपको 2 टॉफीज दी, ठीक है, और फिर आपके पापा ने भी आपको 4 टॉफीज और दिला दी, तो आपके पास कितनी हो गई? 6. कैसे पता चला आपको 6 हो गई है? आपने उनको ऐड किया ना, है ना? तभी तो पता चला आपको ऐड करने के बाद कि आपके पास 6 हो गई हैं. और ऐड क्यों किया? क्योंकि आपको पता था कि 2 आपकी मम्मी ने दिए, जब 4 आपको आपके पापा ने दे दी तो आपके पास ज़्यादा टॉफीज हो गई, इसलिए तो आपने ऐड किया ना उन्हें, क्योंकि आपको पता था आप लोगों के पास ज़्यादा टॉफीज हो चुकी हैं. ऐसे ही हम इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है? मीन्स जब चीज़ ज़्यादा हो रही होती है हमारे पास, तो हम उसमें प्लस करते हैं, ठीक है? देखो, अब जैसे मनु के पास 45 कॉइन्स थे, पारस ने उसको 32 कॉइन्स और दे दिए, तब मनु के पास कितने हो गए? ज़्यादा ही हो गए होंगे ना, जब उसे 45 थे और 32 और मिल गए, तो ज़्यादा हो गए उसके पास. तो हम इसमें क्या कर देंगे? प्लस. नेक्स्ट, 65 चिल्ड्रन वर सिटिंग इन ए हॉल. एक हॉल में कितने स्टूडेंट्स बैठे थे? कितने चिल्ड्रन बैठे थे? 65. तो फर्स्ट नंबर में क्या मिल गया? 65. 30 मोर ज्वाइन देम. 30 ने और उन्हें ज्वाइन किया, मीन्स 30 बच्चे और हॉल में आकर बैठ गए. तो सेकंड नंबर हमें क्या मिल गया? 30. हाउ मैनी चिल्ड्रन इन टोटल आर देयर इन द हॉल. अब हॉल में कितने बच्चे हो गए? पहले 65 थे, 30 और आ गए, तो ज़्यादा हो गए ना हॉल में बच्चे, ज़्यादा मतलब प्लस. नेक्स्ट, रोहन हैज़ 15 मार्बल्स. रोहन के पास कितने मार्बल्स हैं? 15. स्मिथ हैज़ 43 मार्बल्स. स्मिथ के पास कितने मार्बल्स हैं? 43. हाउ मैनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल. अब दोनों के पास मिलाकर कितने मार्बल्स हो गए? दोनों के जब मिलाएंगे तो ज़्यादा ही हो जाएंगे ना. अगर हम सिंगल सिंगल को काउंट करेंगे तो कम होंगे, एक के पास 15 है, एक के पास 43 है, लेकिन जब दोनों को मिला काउंट करेंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा के लिए प्लस. ए शॉपकीपर सोल्ड 42 टॉयज ऑन द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे एक शॉपकीपर ने कितने टॉयज सोल्ड किए? 42. शॉपकीपर मीन्स दुकानदार. ही सोल्ड 26 टॉयज ऑन द सेकेंड डे. सेकेंड डे उसने कितने सेल किए? 26. तो पहला नंबर 42, सेकेंड नंबर 26. हाउ मैनी टॉयज डिड ही सेल इन द 2 डे. उसने दोनों दिनों में कुल मिलाकर कितने टॉयज सेल किए? देखो बेटा, पहले दिन 42, सेकेंड डे 26. अब दोनों दिनों का पूछा है, दोनों दिनों में तो ज़्यादा ही हो गए ना, फिर दोनों को मिलाएंगे तो प्लस. नेक्स्ट, ए टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कलेक्ट नोटबुक्स फ्रॉम द क्लासरूम. ये टीचर ने स्टूडेंट्स को क्लासरूम से नोटबुक्स कलेक्ट करने के लिए बोला. दक्ष कलेक्टेड 36 नोटबुक्स. दक्ष ने कितनी कलेक्ट की? 36. तो फर्स्ट नंबर में क्या मिल गया? 36. रजनी कलेक्टेड 23 नोटबुक्स. रजनी ने कितनी कलेक्ट की? 23. तो हमें सेकेंड नंबर क्या मिल गया? 23. हाउ मैनी नोटबुक्स डिड दे कलेक्ट टुगेदर. तो दोनों ने मिलाकर कुल कितनी नोटबुक्स कलेक्ट की? तो दोनों ने ज़्यादा की ना, सिंगल सिंगल काउंट करेंगे तो 36 और 23 हुआ. अब दोनों का मिलाकर काउंट करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा मतलब प्लस. ठीक है बेटा, बस ये याद रखना है आप लोगों को, जब चीज़ ज़्यादा हो रही हो तो प्लस करते हैं, कम हो रही हो तो माइनस. एक चीज़ और बेटा, देखो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे इसमें देखो टोटल आ गया, ऑल आ गया, टुगेदर आ गया. जहाँ पर ये तीन शब्द आते हैं ना, तो वहाँ पर तुम्हें प्लस ही करना है, ठीक है? नाउ डू प्रैक्टिस योरसेल्फ.